शिक्षा अध्ययन अध्यापन में रुचि शुरू से ही थी, पर ये नहीं सोचा था कि प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल तक आएंगे। शुरू में था कि कॉलेज लेक्चरशिप में जाना है या फिर हाई सेकेंडरी स्कूल में इसके लिए जाना है, उस हिसाब से तैयारी भी की थी। फिर जब RPSC का जो एग्ज़ाम हुआ, फिर इसमें पोस्टिंग हो गई, और फिर इधर ग्रामीण क्षेत्र में आके देखा, फिर बच्चों के स्तर देखा, फिर ऐसे लगा भाई यही करना चाहिए अपने को कुछ काम, और इसी में आगे प्रयास करना चाहिए। काम छोटा बड़ा अध्ययन अध्यापन वही रहता, चाहे बड़ी क्लास का हो चाहे छोटी क्लास का हो, तो उसी हिसाब से इसी में प्रयास करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में 1-2 साल तो लगा था कि आगे प्रयास करना चाहिए था, पर फिर इसी क्षेत्र में ही जुट गए। फिर ऐसा फील नहीं होता कि आगे दूसरे ऑप्शन में जाना चाहिए। समस्याएँ ग्रामीण पृष्ठभूमि रहने से वो अपनी मातृभाषा का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो हिंदी का भी उपयोग बहुत कम करते हैं, तो फिर अंग्रेजी के लिए तो फिर उनको तैयार करने के हिसाब से शुरू शुरू में तो फिर उनको अपने जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें काम में आती है, जैसे गाय बैल भैंस और जैसे उनके प्लेट कटोरी चम्मच, फिर उनको धीरे धीरे उससे जोड़ा के इनको थोड़ा आप इंग्लिश में ही बोलने का प्रयास करो, चाहे आप अपनी मातृभाषा में ही बोलो, लेकिन चीज़ों जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो। तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे फिर उनको पोइम्स वगैरह 2-5 पोइम्स सिखा दिए, तो फिर वो दिन भर उसको बोलते, घर जाके भी बोलते, तो फिर उस हिसाब से उनको धीरे धीरे उनके रुचि बढ़ना शुरू हो गई, और फिर वो धीरे धीरे लगातार प्रयास से फिर वो साल भर जैसे अंत हुआ तो उनको फिर वो जुड़ गई अंग्रेजी से। बच्चों को ABCD अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए चार्ट बनाया था और इसको डिस्प्ले कर दिया था दीवार के ऊपर, और इसको देखने से ये सामने से रहने से वो दिन भर इसको देखते रहते थे, और जब भी पढ़ाते हैं उनको पता चल जाता है सी कहाँ है डी कहाँ है, जो बड़ी ABCD और छोटी ABCD दोनों का बना हुआ है, और ये महीनों के नाम के हिसाब से इनको बिल्कुल आकर्षक रूप में ऐसे दिखाने की प्रयास किया गया है ताकि उनको याद रहे। जैसे लड़का है उसको ऐसे हाथ में चार्ट लेके और जनवरी फरवरी ऐसे दिखा रखा है उसने, और इसी प्रकार ये संडे मंडे सप्ताह के दिन सूर्य और फूलों के माध्यम से इसको समझाया गया है ताकि उसे बच्चे को आकर्षित भी लगे और उसको याद होने में दिक्कत नहीं आए, और दिन भर उसके सामने ही रहता है, उससे भी उसको दिन भर देखता रहता है, उससे भी उसको पता चल जाता है कि कहाँ क्या है। और उसी तरह से ये प्लेइंग कार्ड्स बना रखे हैं, इनको भी लड़कों में बांट देते थे सबको, और फिर छोटी छोटी स्पेलिंग बोल के जैसे हट हट बोलना है, तो जिसके पास H होता था वो पहले आके खड़ा हो जाता, फिर जिसके पास U होता है वो U आके खड़ा हो जाता, फिर जैसे T है फिर वो T आके खड़ा हो जाता, इस तरह से। और ये बच्चे खेल खेल में ऐसे छोटी मीनिंग से फिर बड़ा मीनिंग ऐसे सीखते रहते थे, और ये सारे चार्ट हैं और ये चित्र वाले चार्ट भी बना रखे हैं ताकि तीसरी क्लास और छोटी क्लास के बच्चे भी चित्रों को और इनको देख देख के और इनकी तरफ ऐसे बनाने की कोशिश करें और इनको सीखने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह ये आगे कलर्स वाला है, इसमें भी इस लड़की के हाथ में बैलून अलग अलग कलर्स थे, इससे उनको कलर्स की भी जानकारी हो जाती थी और स्पेलिंग वगैरह की भी ऐसे पूरी जानकारी हो जाती थी, और ऐसे ही समय का और इसका भी घड़ी देखने का चार्ट वगैरह सारा कंप्लीट उसी हिसाब से। अल्फ़ाबेट से चालू करते हैं, फिर छोटे स्पेलिंग और फिर उसके बाद में बड़ी स्पेलिंग, और उस हिसाब से हो जाता है। पहले जैसे छोटी छोटी स्पेलिंग सिखाते हैं हट, फिर उसके बाद में जैसे बटर, फिर उसके बाद में फिर और ज़्यादा लंबी, उस हिसाब से उस सीक्वेंस से ही फिर उनको बताया जाता है। छोटी क्लास में पहले अल्फ़ाबेट से शुरू हो जाता है, उसके बाद में फिर उनको छोटे छोटे मीनिंग बनाना शुरू हो जाता है। टाइम देखना और कम से कम 25-30 क्वेश्चन का तैयार करवा देते हैं, जैसे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का पूरा कोर्स उसमें आ जाता है। 30 डेढ़ से वाक्य प्रारंभ करना, 30 दोज वाले वाक्य हैं और AND का प्रयोग है, और सारे ये टाइम देखने वाले सवाल हैं, महीनों के नाम, सप्ताह के दिन, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, बहुत सारा है। और जैसे छोटे छोटे दैनिक जीवन में बातें करने वाले वाटी योर नेम, वाटी योर फादर्स नेम, जैसे सारे पूरी तरह से तैयार थे 5 क्लास तक के लड़के, जो जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो सारा कंप्लीट सब याद था। गांव के जो बच्चे हैं, मैं खुद भी गांव का ही हूँ, और गांव के बच्चे अब अंग्रेजी को ऐसे डर वाला और ऐसे घबराहट वाला विषय नहीं समझ के उनको रुचि आने लगी है। वो बार बार में बुला के कहते हैं कि भाई अंग्रेजी पढ़ाओ, और घर पे भी जाते हैं तो बार बार में इंग्लिश बोलता है, तो उसको देख के ऐसे खुशी मिलती है, तो अच्छा लगता है।